नमस्कार आदाब। मैं इरशाद राही। दोस्तों, दुआ और उम्मीद यही है कि आप जहाँ कहीं भी होंगे, आपकी ज़िंदगी मज़े, सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही होगी। एक नया सिलसिला शुरू किया है रूबरू चैनल ने, किताबों का सिलसिला। लोगों की किताबें आ गई हैं मेरे पास, उन किताबों से कुछ रचनाएं मैं आप तक पहुँचाऊँगा। ये जो किताब अभी मेरे हाथ में है, इस किताब का नाम है शब्द नहीं मिले मुझे, और इसके राइटर्स हैं नौशाद अहमद, जो कि दिल्ली में रहते हैं और फरोग उर्दू डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं। तो आइए इनकी एक कविता इनकी किताब से सुनाता हूँ। इसका शीर्षक है, इसका कुछ तो मतलब है। मेरा बहुत कुछ तेरा है, मेरा बहुत कुछ तेरा है, जैसे तेरा बहुत कुछ मेरा है, मैं बिल्कुल तेरे जैसा हूँ और तू भी मेरे जैसा है। ये रिश्ता यूं ही नहीं पनपा है, इसका कुछ तो मतलब है, इसका कुछ तो मतलब है। और इनका एक गीत है जो कि इंसान माजी को याद करता है, अपने दोस्तों को याद करता है कि किस तरह से वो ज़माना था। गुजरे ज़माने की बात है इस गीत में, सुनिएगा। नौशाद अहमद ने लिखा है, दोस्तों मैं समय को बिताना, दोस्तों के साथ में समय को बिताना, दिलनशी था बहुत वो ज़माना, सुलगती दोपहरिया में हम थे दीवाने, बड़े बेवजह से बना कर बहाने, कोई खौफ मेरे दिल में न था, बड़े बेखबर थे ज़माने से हम, रोज मिलना व लड़ना लड़ाना, दिल नशी था बहुत वो भी जमाना, कभी दोस्तों का हद से गुजरना, पहाड़ों पे चढ़ना, नदी में उतरना, कभी जंगलों बीहड़ों का सफर, वो आवारा फिरना नगर दर नगर, वो वादा किया उसको निभाना, दिल नशी था बहुत वो भी जमाना, दिल नशी था वो गुजरे जमाने, भुलाऊं मैं जितना मुझे याद आता है उतना ही ज्यादा, कैसे जीवन का पहलू सपाऊं, काश आ जाए वो गुजरा जमाना, दिल नशी था बहुत वो भी जमाना, दोस्तों में समय को बिताना, दिल नशी था बहुत वो भी जमाना। ये थे नौशाद अहमद, जिनकी किताब का नाम है शब्द नहीं मिले मुझे। ये किताब आपको ऑनलाइन मिल जाएगी अमेज़ॉन पर, तो आप इसको जाकर वहाँ से ख़रीदें और ख़रीद कर पढ़ें, और नौशाद साहब को बहुत सारी मुबारकबाद पेश करें। बहुत शुक्रिया दोस्तों।